आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं पावर कैलकुलेशन इन डीसी एज वेल एज पावर कैलकुलेशन इन एसी। सो शुरू करते हैं पावर कैलकुलेशन इन एसी। पहले एसी का देखते हैं पावर कैलकुलेशन। इन एसी एसी में हम लोग पावर कैलकुलेशन कैसे लेते हैं? एक्चुअल में गाइस पावर तीन तरह की होती है। पहली पावर है अपेरेंट पावर, जो कि वी आई के बराबर होता है। ये वोल्ट एम्पियर में इसका निकल कर आएगा। और एक्टिव पावर दूसरा होता है, जिसमें हम लोग लेते हैं वी आई कॉस फाई, जिसमें इसका हम लोग यूनिट लेते हैं वाट के रूप में। और नेक्स्ट निकल कर आता है रिएक्टिव पावर के रूप में, तो उसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वी आई साइन फाई। इसको हम लोग इसकी यूनिट लेते हैं वी ए आर में, वार में इसकी यूनिट लेते हैं। अब नेक्स्ट निकल कर आता है पावर कैलकुलेशन इन डीसी। पावर कैलकुलेशन इन डीसी उसकी हम लोग ऐसे निकल कर आते हैं। इसमें एक्चुअल में इसमें तो पावर कैलकुलेशन डीसी में सिर्फ सिर्फ रहता है क्या, नहीं अपेरेंट पावर आता है, नहीं रिएक्टिव पावर, सिर्फ उसमें एक्टिव पावर निकल कर आता है। वो भी काम करता है पूरे रेजिस्टेंस के वैल्यू से, ठीक है। तो अब उसमें निकल कर यही आता है कि पी इक्वल टू वी आई। अब इसकी यूनिट निकल कर हो जाएगी वाट। अब इसके बाद पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इसकी भी यूनिट हो जाएगी वाट। एंड पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और इसकी भी यूनिट हो जाएगी वाट। एक और चीज़ इसमें दिखाया जा रहा है, एक पॉइंट एक और देख लीजिएगा कि डीसी एनर्जी जो मेजर किया जाता है वह एम्पियर आवर मीटर में किया जाता है। जो डीसी एनर्जी होता है, डीसी एनर्जी मेजर्ड इन सॉरी मेजर्ड बाय एम्पियर आवर मीटर, एम्पियर आवर मीटर में उसको किया जाता है।